Hi guys, this is Aishika and today topic is digital marketing. So, सबसे पहले हम जानते हैं what is digital marketing. Digital marketing क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, digital marketing दो शब्दों से मिलकर बना. Digital plus marketing means किसी भी product या service की marketing करना और वो भी digital. Digital marketing को हम internet marketing, online marketing या वेब मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करवानी है तो हम न्यूज़पेपर एंड टीवी में ऐड दे सकते हैं, आप वेबसाइट में ऐड दे सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल में ऐड दे सकते हैं, आप उसके बैनर लगवा सकते हैं, पैम्पलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं, पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग डिजिटल चैनल के थ्रू करते हैं तो वह डिजिटल मार्केटिंग कही जाती है। उसी तरह से अगर हम न्यूज़पेपर, बैनर, टेम्पलेट या किसी मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देकर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आती है। चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। हम इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करनी है तो हमारे पास दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग का। अब अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हूँ तो उसके लिए मुझे एक लोकेशन फाइंड करनी होगी जहाँ पर हमारी टारगेट ऑडियंस है जिसे हमें वो प्रोडक्ट बेचना है। अब यदि हम बैनर या बोर्ड लगाते हैं तो पहले हमें बोर्ड या बैनर बनाना होगा, देन हमें जहाँ पे उसे लगाना है उस लोकेशन को फाइंड आउट करना होगा और उसका रेंट भी पे करना होगा। मींस हमारी टोटल कॉस्ट 1-2 लाख के बीच में आई। अब अगर हमें इस एडवर्टीजमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है फिर भी हमें मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ उस बोर्ड को उसी जगह में लगाए रहना देना होगा, क्योंकि यदि हम कोई बोर्ड लगाते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड की है, तो उस टाइम पीरियड तक वो बोर्ड वही लगा रहेगा। और ये बोर्ड हमारी टारगेट ऑडियंस देख रही है या नहीं, इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, इसकी हमारे पास कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। बट डिजिटल मार्केटिंग के साथ ऐसा नहीं। अगर हम अब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, अगर हमें इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुँच रही है, तो हम इस एडवर्टीजमेंट को तुरंत बंद कर सकते हैं। या इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें कोई सेल्स या परचेज नहीं हो रही है तो या तो हम इस एडवर्टीजमेंट को तुरंत बंद कर सकते हैं या फिर हम इस एडवर्टीजमेंट को चेंज करके अपनी सही और पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को और इस टारगेट ऑडियंस के थ्रू हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितनी सेल्स हुई, ये सब हम ट्रैक कर सकते हैं अगर हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। आई होप आप सभी को व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।